नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग श्रवण करेंगे अजा एकादशी व्रत की पावन कथा। इस एकादशी को अन्नदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आप सभी लोग विष्णु चालीसा का पाठ श्रवण करेंगे और साथ में भगवान विष्णु जी की आरती भी श्रवण करेंगे। आइए कथा आरंभ करती हूँ। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, आप कृपा करके मुझे भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का विधान क्या है और इस व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक और परलोक में इस एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस व्रत की कथा का श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम जी के वंश में अयोध्या नगरी में एक राजा हरिश्चंद्र जी थे। यह राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म के फल के कारण पत्नी, बेटा एवं स्वयं को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। राजा हरिश्चंद्र चांडाल का दास बन गए। उन्होंने चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु इस विपत्ति में भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उन्हें कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहते थे कि मैं क्या करूं जिससे कि इस नीच कर्म से मुझे मुक्ति मिल सके। एक बार की बात है कि वह इसी चिंता में बैठे हुए थे, तब वहां पर गौतम ऋषि उनके पास आ पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा उन्हें सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधि विधान पूर्वक पालन करो। दिन भर व्रत धारण करके रात्रि में जागरण करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि विधान पूर्वक उपवास किया तथा रात्रि जागरण करके श्री हरि विष्णु भगवान जी का कीर्तन और भजन किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा हुआ पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक रचा था, किंतु अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी व्रत के प्रभाव के कारण ही संभव हो सका। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक धारण करता है तथा रात्रि जागरण करता है, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। अजा एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशामन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत।
शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरण धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मतस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मचाया, मंद्राचल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन धनुज शैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरडा कुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हर सिर जन हारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरण, कौन भाति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। पढ़े सुने जो जन सुख पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गम किसकी। तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर। तुम पालन करता मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुम
तुमको मैं कुमती, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों, नमः शिवाय, हर हर महादेव।